लाके आप क्या दिखलाना चाहते हैं? मोदी जी, आपका जो तानाशाह रवैया है तो ये देश में नहीं चलेगा। बड़े बड़े पूंजीपतियों से मुट्ठी से आप निकलिए, आप जो मुट्ठी में कैद हो गए हैं और जो धन बटोर रहे हैं आप कस के चुनाव लड़ने के लिए, आप मन की बात कहते हैं, क्या मन है आपका, बर्बाद कर दे इस देश को। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और मैं हूँ आपके साथ शिप्रा झा। कृषि कानून के विरोध में आज भारत बंद बुलाया गया है। भारत बंद को तमाम विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है और इसका खासा असर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। बिहार के कई सारे जिले में जहां एक तरफ लोग हिंसात्मक तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ गया जिले में गांधीगिरी की तस्वीर देखने को मिली है। यहां पर बेलागंज से राजद विधायक सुरेंद्र यादव खुद मोर्चा संभाले हुए सड़क पर उतरे हुए हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि कैसे सुरेंद्र यादव दुकानों को बंद करवा रहे हैं। उनके कार्यकर्ता एक सुर में सिर्फ और सिर्फ सरकार विरोधी नारेबाजी भी कर रहे हैं। और जुल्म के टक्कर में देश हमारा नारा है। चोर जुल्म के टक्कर में देश हमारा नारा है। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो पीछे आ गए ना भाई, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। खास बात यह है कि इस विरोध प्रदर्शन में सुरेंद्र यादव लोगों को फूल बांट रहे हैं और धान भी बांट रहे हैं। तस्वीरों में आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से प्रदर्शन वहां पर किया जा रहा है। आप खुद सुनिए कि सुरेंद्र यादव इस पूरे मौके पर क्या कुछ कह रहे हैं। जनमत मांगे थे कि मैं चौकीदार के रूप में कार्य करूंगा। चौकीदार के ये काम नहीं है कि गरीब आदमी के, गरीब किसान के पेट पर लात मारो। आप चौकीदार के रूप में आए हैं इस देश को चलाने के लिए, इस देश को सुरक्षा देने के लिए, तो चौकीदार के तरह ही काम कीजिए। आपने काला कानून जो ला दिया इस देश में और जो देश में आप बेरोजगारी बढ़ा दिया, तो जो बेरोजगारी बढ़ाए वही किसान का बेटा है। जो काला कानून लाए वह किसान है। किसान आपसे नौकरी और खाने के लिए नहीं मांगता है, वह अन्नदाता है। अगर वह पैदा करता है तब पूरा देश खाता है। देश तो देश, बगल में कई कंट्री अगल बगल में है, वो भी इसी देश का अनाज खाता है। तो काला कानून लाके आप क्या दिखलाना चाहते हैं? आप जब लॉकडाउन में किसी को बोलने नहीं दिए, कोई सभा में आप गए नहीं, आप अपने आप को समझते हैं तानाशाह। मोदी जी, आपका जो तानाशाह रवैया है तो ये देश में नहीं चलेगा। किसान, नौजवान, छात्र, बेरोजगार और मजदूर रोड पर उतर चुका है। आपसे मेरा अनुरोध होगा, यह काला कानून आप वापस लीजिए और बड़े बड़े पूंजीपतियों से मुट्ठी से आप निकलिए। आप जो मुट्ठी में कैद हो गए हैं और जो धन बटोर रहे हैं आप कस के चुनाव लड़ने के लिए, यह देश की बर्बादी है। आप इस देश को क्या दिए हैं? आप बेरोजगारी दिए हैं। आप कोरोना जैसा महामारी बीमारी में इस देश को, किसान को, इस देश को, मजदूर को, इस देश के नौजवान छात्र को, बेरोजगारों को कोई मदद नहीं किए। आप मन की बात कहते हैं, क्या मन है आपका, बर्बाद कर दे इस देश को। तो देश को आप बर्बाद कीजिएगा तो आपको भी देश छोड़ने नहीं जा रहा है। रोड पर उतर गया है, आपसे आर पार के लड़ाई लड़ा जाएगा और आपको गद्दी छोड़ना होगा। आप मोदी जी तानाशाह हैं तो आप तानाशाही से मुक्ति पाइए, दलाल चमचा से मुक्ति पाइए। जो इस देश के रुपया लेकर आपके सहयोग से विदेश में भागे हैं तो आप ये मत दिखलाइए पाकिस्तान के बॉर्डर, पाकिस्तान में सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है। दाऊद के पकड़ के ला रहे हैं और दाऊद के पकड़े न पकड़े उससे क्या लेना देना है। आप पकड़ के लाइए जो यहाँ के रुपया लेकर भाग गया नीरव मोदी। जितने लोग भागे हैं सब गुजरात के हैं, सब गुजराती है, आप भी गुजराती है। इसलिए आपका उत्तरदायित्व बनता है, देश के प्रधानमंत्री है, कि जो पैसा काला लेकर भाग गया यहाँ से, धन संपत्ति जिससे हमारा देश चरमरा गया है, उसको पकड़ कर लाइए, किसी को झांसा मत दीजिए। तो बंद पूर्ण रूप से सफल है। पूंजीपतियों की सरकार अब नहीं चलेगी, हम किसानों की सरकार चलेगी। जिस तरह से लगातार किसानों के ऊपर हमला हो रहा है, गरीबों के ऊपर हमला हो रहा है, पूंजीपतियों का साथ दे रहे हैं, अब यह जो देश इनको माफ़ नहीं करेगा। और यह किसानों की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है, सड़क पे हम लोग उतरे। गुलाब का फूल और धान दे रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हम कह रहे हैं कि किसान को इसी तरह से खेलने का अधिकार है।
और आप उसको वंचित नहीं करिए। तो सुना आपने, सुरेंद्र यादव की तरफ से ये कहा गया कि फूल इसलिए बांटा जा रहा है ताकि किसान इसी तरीके से खिले हुए रहें और सरकार ने जो कानून किसानों के ऊपर थोपा है उसे जल्द से जल्द वापस ले, नहीं तो ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। आपको बता दें कि आज पूरे देश में ही किसान बिल को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए लाइव सीरीज के साथ, और अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर फॉलो करना मत भूलिएगा।